नमस्कार, मैं विपिन कुमार, अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ मैं शहीद पार्क पे, जहाँ दो दिन पूर्व कोतवाली देहात के ब्रह्मपुर पर एक ऑटो चालक का शव बरामद हुआ था, जिसको लेकर परिजनों ने आरोप लगाया था कि लगातार ऑटो के चालान कटने की वजह से उन्हें अटैक आया और अटैक से उनकी मौत हुई। वहीं आज दो दिन बाद उसमें कोई सुनवाई न होने पर परिजनों ने शहीद पार्क पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं परिजन व ऑटो चालक जो साथ में मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि इस तरीके से लगातार हमें प्रताड़ित किया जाता है, जिसको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ रहती हैं आप? नंदौली रोड पर। गांव कौन सा है? रुस्तमगढ़। आप आज शहीद पार्क आई, क्या समस्या क्या हुई है? मेरा टप्पू पकड़ लिया, उनको अटैक पड़ गया। कब की घटना थी ये? एक महीने में तीन बार। अब घटना कब की है? परसों की है। किसने टेम्पू पकड़ा था? किसने टेम्पू पकड़ा था? ट्रैफिक पुलिस ने। कितने चालान कटे थे? 65 चालान। कहाँ से कहाँ चलाते थे ऑटो? मिर्ची एटा। आकाश। पिताजी का नाम? चरण सिंह। कहाँ रहते हैं आप? दौली रोड पे शिव वाटिका के पास। कौन सी जगह, कौन सी है? शिव वाटिका के पास बराबर में किराए का मकान है, वहाँ पे रहते हैं। आज आप शहीद पार्क पहुँचे, क्या बात क्या हुई है? मेरे पापा की आकस्मिक निधन के कारण मैं यहाँ पे आर्थिक सहायता के लिए यहाँ पे आया हूँ। वजह क्या रही है? वजह उनके चालान हुए थे बहुत ज़्यादा, और लगभग महीने में दो बार ऑटो सीज कर दिया गया, जिसके कर्जा लेके छुटाया दो तीन बार, फिर पैसे का इंतजाम ना कर पाए, उसकी वजह से उन्हें रास्ते में हार्ट अटैक आ गया। तो महीने में कितने चालान कटे थे? महीने में तो नहीं पता पूरा, लगभग 66,000 के कुछ चालान थे। 66,000 के। क्या नाम है आपका? मेरा कुमार पाल नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव कोयला गाँव। कोयला गाँव। आज आप शहीद पार्क पहुँचे हैं, सारे लोग हैं और ऑटो चालक भी हैं सारे। समस्या क्या है? समस्या ये भैया कि ऑटो वाले अपने गरीब आदमी पेट पाल रहे हैं, और एक एक महीने में 40-40, 50-50 रुपये चालान भरेंगे तो क्या करेंगे, किस्त कहाँ से डालेंगे, आप बताओ। तो अभी एक चालक की मौत कैसे हुई? ऐसे इस तरीके से हुई, एक महीने में तो ऑटो छुड़ाया उन्होंने कर्जा लेके किस्त पे। आप उनकी मैडम भी बैठी हुई है सामने, उन्हें पूछ लो, हमें दुख हो रहा है इसलिए कह रहे हैं। तो जो बताओ 35,000-40,000 महीने पे जो किस्त भरेगा चालान की, और उसके बाद में किस्त भरेगा, उसके बाद में बीवी बच्चे का क्या करेगा, खेत है नहीं, मकान है नहीं। तो मौत कहाँ पे हुई थी इनकी? वहाँ वो पहुँचे कचहरी पे गए, पूछने गए तो उन्होंने बताया, जो खर्चा बताया तो उन्होंने कहा लड़की की शादी कहाँ से करूँगा, अभी तो मैं 8 दिन गाड़ी छुड़ाए हुए हुए मुझे, अब यहाँ कहाँ से 45,000 भरूँगा मैं। तो ये कहाँ मिले थे जब इनकी मौत? कचहरी पे, वहीं पर वकील से उठ के आए, उसके बाद में कचहरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।